Click the bell icon to get latest videos from Ikeda. Hello friends. तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 88-291 रजिस्टर्स की, यानी कि मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर सबसे पहले टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स जो हमको मेंटेन करने पड़ते हैं उनका नेमली क्या क्या नाम है, कितने टाइप्स के रजिस्टर्स हमको रखने पड़ते हैं, किस फॉर्म और किस मैनर में उनको मेंटेन करना पड़ेगा, उनसे रिलेटेड कौन कौन से रूल्स एंड प्रोविजंस हैं, नेमली 3, 4, 5, 6 एंड 7, और सेक्शन 88 यानी कि जो उसके अंदर चार क्लॉजेज है 1, 2, 3, 4 वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अगर हम सेक्शन 88 की बात करें और इस पूरे चैप्टर की बात करें मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन की, तो मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो मैंने आपको बताया है सेक्शन 88 से लेकर 122 तक, ये सभी सेक्शंस इस पूरे चैप्टर में कवर होते हैं। और अगर हम रूल्स की बात करेंगे तो सीजी ने जो रूल्स इसके लिए दिए हैं वो दिया है कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2014। ये सब प्रोविजन साथ ही में चलते जाएंगे और इनके साथ में हम देखेंगे वन बाय वन एक एक सेक्शन। अगर हम एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो ये जो पूरा चैप्टर है वो एप्लीकेबल होता है हर कंपनी को, मीन्स एवरी कंपनी के ऊपर, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, ये पूरा ही चैप्टर एप्लीकेबल होगा। जिन जिन सिचुएशंस में कुछ सर्टन एग्जम्पशंस दिए गए हैं वो हम वहां पर कवर करेंगे, बट अगर हम जनरली बोलेंगे तो पब्लिक और प्राइवेट हर कंपनी को ये एप्लीकेबल है। जहां तक बात है ओपीसी की, यानी कि वन पर्सन कंपनी की, तो वन पर्सन कंपनी जो सेक्शन 122 के अंदर यहां पर बताया गया है कि कैसे एप्लीकेबिलिटी ओपीसी के ऊपर स्पेशल प्रोविजन बनाया गया है। सो यहां पर हमने देखा है कि एप्लीकेबिलिटी क्या होगी इस पूरे चैप्टर की और साथ में ओपीसी के ऊपर जो प्रोविजन है वो 88-122 चल रहे हैं और रूल्स का नाम हमने देख लिया है। नाउ वी शुड स्टार्ट विद द सेक्शन 88 जिसका नाम है मेंटेनेंस ऑफ द रजिस्टर्स, यानी कि जो भी रजिस्टर्स है उनको कैसे मेंटेन किया जाता है। तो हम सबसे पहले बेसिक्स देखेंगे। बेसिक्स में कुछ 4 से 5 पॉइंट है जिसमें सारे क्लॉजेस 1, 2, 3, 4 डिस्कस किए जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको दिख रहे होंगे, और उसी के साथ में फिर हम बाद में चालू करेंगे प्रोविजंस रिलेटेड टू द रूल्स, मतलब कि रूल नंबर 3 जो बताएगा आपको क्या तरीका है। रूल नंबर 3 में हमको पता चलेगा, रूल नंबर 5 में हमको पता चलेगा कि मैनर एंड मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्स कैसे होगा, और रूल नंबर 6 में आगे हम देखेंगे जो वन लाइन का रूल आपको दिखेगा। एट लास्ट रूल नंबर 7 के साथ में आपको दिखेगा फॉरेन रजिस्टर्स, यानी कि रजिस्टर्स जो आउटसाइड इंडिया रखे गए हैं उनसे रिलेटेड क्लॉज नंबर 4 क्या है और उससे रिलेटेड रूल नंबर 7 क्या है। अब सबसे पहले बेसिक्स वाले ब्लॉक में अगर आप देखेंगे तो हमको सबसे पहले दिख रहेगा कि कितने टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स हमको मेंटेन करने हैं। सबसे पहला टाइप है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, यानी कि मेंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो या तो इक्विटी शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, मतलब इक्विटी मेंबर्स जिसे हम कहते हैं, और दूसरा एक कैटेगरी हो सकता है प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स यानी कि प्रिफरेंशियल मेंबर्स। अब ये दोनों ही केसेस में चाहे इक्विटी हो चाहे प्रिफरेंशियल हो, ये सभी क्लास यानी कि एवरी क्लास ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स, सिर्फ एक ही क्लास को नहीं, अगर इक्विटी की दो क्लासेस है तो उन दोनों का भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर्स का अगर एक क्लास है तो उसका अलग आपको मेंटेन करना होगा। ये बात चल रही है इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया दोनों ही जगह के, अगर आपको है इक्विटी और प्रेफरेंशियल होल्डर्स तो आपको अलग अलग सेपरेट रजिस्टर्स मेंटेन करने होंगे। सो पहला टाइप हुआ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, दूसरा है रजिस्टर्स ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, डीएच मैंने लिख रखा है यहाँ पर, तो डिबेंचर होल्डर का आपको एक अलग से रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। एंड द थर्ड रजिस्टर इज अदर सिक्योरिटी होल्डर्स, मीन्स डिबेंचर्स और शेयर्स के अलावा और भी कोई सिक्योरिटीज अगर आपने इशू करी है, बॉन्ड्स आपने इशू करे हैं, तो उन सभी के लिए भी आपको एक अलग रजिस्टर मेंटेन करना होगा। तो ये हम बेसिक्स की बात कर रहे हैं कि 88 में हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो 88 में ये 3 रजिस्टर्स आपको मेंटेन करने होते हैं। दूसरा हम देखेंगे फॉर्म और मैनर, किस तरीके से आपको रजिस्टर्स को मेंटेन करना है वो हमको प्रोविजंस के रूल्स में दिखेगा। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज है कि रजिस्टर्स जब भी होते हैं
हमारी नोटबुक भी होती है तो उसमें एक इंडेक्स होता है, वैसे ही यहाँ पर भी अगर कोई भी रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा है तो एक इंडेक्स ऑफ नेम्स जरूर मेंटेन करना पड़ेगा। आपको एक पूरा इंडेक्स मेंटेन करना पड़ेगा जिसमें हर मेंबर का नाम लिखा होगा और उससे रिलेटेड डिटेल्स होगी। ये हमारे कुछ बेसिक पॉइंट्स हमने यहाँ पर कवर करे हैं। अब इसके बाद में दो और पॉइंट्स बचे हुए हैं। जैसे कि अभी सभी चीजें ऑनलाइन हो गई है और जितनी भी पब्लिक कंपनीज हैं उनको जब भी बोला गया है कि अगर आप पब्लिक ऑफर करेंगे तो आपको वो डीमैट फॉर्म में करना कंपलसरी है, ऐसा कंपनीज एक्ट में सेपरेट सेक्शन है, तो वैसे ही यहाँ पर आजकल सभी शेयर्स जो है वो डीमैट फॉर्म में जा रहे हैं। तो रजिस्टर्स जो मेंटेन किए जा रहे हैं मेंबर्स के, तो वहां पर अगर शेयर्स को डीमैट फॉर्म में इशू किया गया है तो वहां पर कोई अलग से रजिस्टर मेंटेन नहीं किया जाएगा, क्योंकि डीमैट फॉर्म में जब भी शेयर्स होते हैं वो डिपॉजिटरी के पास में आपके सारे वहां पर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, किसके पास कितने शेयर्स हैं और किस नाम पर है और कितने पीरियड के लिए है। तो वहां पर अगर जिसको डीमैट का फंडा नहीं पता है तो मैं बताना चाहूंगा कि डीमैट एक ऑनलाइन पोर्टल है, यानी कि जो शेयर्स होते हैं वो फिजिकली लोगों के पास आजकल नहीं होते हैं, उनकी एक इलेक्ट्रॉनिक कॉपी सभी मेंबर्स के पास में जाती है, उनके सभी डिटेल्स जो होते हैं वो डिपॉजिटरीज के पास होते हैं, कंपनीज अपने शेयर्स ट्रांसफर करती है डिपॉजिटरीज को और डिपॉजिटरीज के पोर्टल पे ये ट्रांजैक्शंस चलते हैं और यहां पर लेन देन चलती है मेंबर्स के बीच में। तो यहां पर मेंबर्स के पास में इलेक्ट्रॉनिक शेयर सर्टिफिकेट होता है, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट नहीं होता है। सो अगर हम रजिस्टर्स की बात करेंगे जो डीमैट शेयर्स में है, तो डिपॉजिटरी के पोर्टल पे जो डिटेल्स है वही रजिस्टर होगा, अलग से उसको और कुछ माना नहीं जाएगा। तो ये हमने देखा इंडेक्स ऑफ नेम्स मेंटेन करना जरूरी है, डीमैट फॉर्मेट में क्या होगा। अब लास्ट में एक चीज है कि अगर फॉरेन रजिस्टर आपको मेंटेन करना है तो आप कर सकते हैं, वो हम क्लॉज नंबर 4 में पढ़ेंगे, पर इतना आप याद रखिए कि अगर आर्टिकल यानी कि AOA आपको परमिट करेगा तो ही आप फॉरेन रजिस्टर्स मेंटेन कर सकते हैं। सो ये हमने बेसिक्स कवर करे। अब हम वन बाय वन देखेंगे राइट हैंड साइड में जो आपको दिख रहा है प्रोविजंस, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे रूल नंबर 3, उसमें हम देखेंगे प्लेस कहां पर रखना होता है, टाइम पीरियड कितने टाइम के लिए आपको रखना होगा और उससे रिलेटेड दूसरी चीज है। फिर हम देखेंगे रूल नंबर 5, जहां पर हम देखेंगे मैनर यानी कि किस फॉर्म में जाएगा, उनकी मेंटेनेंस के लिए क्या क्या पॉइंट्स हैं। उसके बाद में हम देखेंगे रूल नंबर 6 और रूल नंबर 7, उसके बाद हम देखेंगे रूल नंबर 6 और रूल नंबर 7। तो ऐसे हमारे कुछ 4 रूल्स हैं जो इंपॉर्टेंट यहां पर कवर हो रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सबसे पहले रूल नंबर 3 देखते हैं। तो रूल नंबर 3 जो है वो बात कर रहा है कि क्या टाइम पीरियड के लिए, किस फॉर्म के अंदर ये सब चीजें मेंटेन की जाएगी। तो सबसे पहले मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था कि ये जो पूरा चैप्टर है ये पब्लिक हो प्राइवेट हो कैसी भी कंपनी हो सबके ऊपर एप्लीकेबल है। तो कुछ कंपनीज होती है जो विद शेयर कैपिटल होती है और कुछ कंपनीज होती है जो विदाउट शेयर कैपिटल होती है, तो उनके केस में भी पर्टिकुलर्स कुछ अलग अलग होते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले अगर हम फॉर्म्स की बात करेंगे तो जिन्होंने थोड़ा प्रैक्टिकल काम कर रखा है उनको पता होगा MGT1 और MGT2, ये दो ऐसे फॉर्म्स है जो सबसे पहले आपको क्लिक होते हैं जब भी आप बात करते हैं रजिस्टर ऑफ मेंबर्स की। तो MGT1 जो है वो बात करेगा जो सिंपल आप रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मेंटेन कर रहे हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स का, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का, MGT1 में होता है। साथ ही में आपको MGT2 भी याद रखना होगा, MGT2 दूसरे सिक्योरिटी होल्डर्स की जो भी एंट्रीज होती है और रजिस्टर मेंटेन किया जाता है वहां पर हम MGT2 यूज करते हैं। तो ये तो बात हुई फॉर्म्स की, जहां पर हमको अलग अलग फॉर्म्स कहां कहां डेटा रिकॉर्ड करना है वो हमको समझ में आ गया है। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि कितने टाइम पीरियड के लिए, मतलब कि जैसे ही ये जो प्रोविजंस फोकस में आए हैं तब से लेके 6 महीने तक, मींस अगर आपकी जो कंपनी है तो आपको फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ योर कंपनी आपको रजिस्टर्स मेंटेन करने होते हैं। बट अगर आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी थी और ये रूल्स जो है वो बाद में आए हैं, तो रूल्स के 6 महीने में, रूल्स जब से एप्लीकेबल हुए हैं तब से 6 महीने के पीरियड में आपको ये रजिस्टर्स ऑफ मेंबर्स, डिबेंचर होल्डर्स या फिर सिक्योरिटी होल्डर्स मेंटेन करना होगा।
ध्यान रखिए ये टाइम पीरियड है फॉर एप्लीकेशन, ये टाइम पीरियड उसका नहीं है कि कितने टाइम पीरियड तक आपको प्रिजर्व करना है। तो ये दो चीजें हमने अभी रूल नंबर 3 में देख लिए हैं कि कौन से फॉर्म में होगा और कितने टाइम पीरियड में आपको ये एप्लीकेबल करना होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि जैसे जो नॉर्मल कंपनी है जिसकी शेयर कैपिटल है तो वो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स MGT1 में बनाए, वो सारे पर्टिकुलर्स वहां पर फॉर्म के हिसाब से भरे जाएंगे। बट जो कंपनी है जिसमें कोई शेयर कैपिटल नहीं है, नो शेयर कैपिटल, थर्ड पॉइंट में आपको दिख रहा होगा, तो वहां पर कुछ अलग टाइप से पर्टिकुलर्स जाते हैं, मींस वहां पर अलग अलग इंफॉर्मेशन फीड करी जाती है। अब वो पर्टिकुलर्स कौन से हैं मैं आपको बताता हूं। तो जो अब यहां पर आखिरी पॉइंट है वो ये है कि जो भी कंपनी है जिसकी शेयर कैपिटल नहीं है वहां पर पर्टिकुलर्स में सबसे पहले रखा जाएगा KYC ऑफ ऑल द मेंबर्स, यानी कि मेंबर का नाम क्या है, मेंबर के पास कितने शेयर्स है, उसका नॉमिनी कौन है, ये सब चीजें KYC से रिलेटेड वहां पर रखी जाएगी, पहला पर्टिकुलर। दूसरा पर्टिकुलर में आपको डालना पड़ेगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग, मतलब कि जब से वो मेंबर है, और आपको साथ में ये भी लिखना पड़ेगा व्हेन ही इज और शी is ceased to be a member, मीन जब से वो member नहीं रहे। तो J/C मैंने वहाँ पर लिख रखा है join के लिए और ceased के लिए, तो cessation हो या फिर जब से join किया हो, दोनों की date आपको डालनी पड़ेगी। इसी के साथ में आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि अगर कुछ amount of guarantee उन्होंने दे रखा है या फिर कुछ any other interest वो member hold करता है, ये सभी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी ऐसे companies के register में जहाँ पर share capital नहीं है। So, ये rule number 3 का प्रोविजन है जिसमें हमने फॉर्म्स देखे MGT 1 और 2, उसके बाद में हमने देखा है कि कितने टाइम पीरियड में आपको एप्लीकेबल हो जाएगी ये चीज या फिर करनी पड़ेगी, 6 मंथ्स का हमने रूल देख लिया है, और उसके बाद में हमने देख लिया है कि अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो क्या क्या पर्टिकुलर्स होंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोविजन रूल नंबर 5, हम सबसे पहले देखेंगे कि कितने टाइम पीरियड के लिए आपको मेंटेन करना होगा और साथ ही में कहां पर ये सब रजिस्टर्स रखे रहेंगे, मींस प्लेस ऑफ द रजिस्टर्स। तो सबसे पहले अगर हम टाइम पीरियड की बात करेंगे तो MNM यानी कि मैनर एंड मेंटेनेंस की हम बात कर रहे हैं रूल नंबर 5 में। तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो वो ट्रांजैक्शन जैसे ही अप्रूव हो चुका है बाय द बोर्ड तो उसी के 7 डेज के अंदर अंदर वो एंट्री हो जानी चाहिए रजिस्टर के अंदर। मींस अगर कुछ भी ट्रांसफर हुआ है शेयर्स का आपस में, या फिर सेल ऑफ हुआ है, या फिर ट्रांसमिशन हुआ है, और बोर्ड ने जब से वो अप्रूव कर दिया है उसके 7 डेज के अंदर वो एंट्री हो जानी चाहिए रजिस्टर के अंदर। तो ये तो बात हुई कि टाइम पीरियड ऑफ मेकिंग एन एंट्री इनटू द रजिस्टर्स। अब इसके बाद में हम देखेंगे प्लेस यानी कि ये रजिस्टर्स कहां पर रखने होंगे। बाय डिफॉल्ट ये सभी रजिस्टर्स रजिस्टर्ड ऑफिस में यानी कि RO में रखे जाएंगे, बट कंपनी मे चूज टू कीप इट ऑन सम अदर प्लेस, यानी कि और कहीं रखना चाहती है और किसी सिटी में रखना चाहती है तो वो रख सकती है, बट उसकी 2 शर्त है। पहली शर्त कि आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा जनरल मीटिंग के अंदर, और दूसरी शर्त यह है कि जो दूसरी सिटी जिसका आप बात कर रहे हैं वो सिटी में मिनिमम 10% ऑफ द मेंबर्स शुड रिसाइड। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब यह है कि मेरी कंपनी मुंबई की है, मुंबई बेस्ड कंपनी है, और जो मेरे मेंबर्स है वो अधिकतर लोग 70-80% लोग जो मेरे शेयर होल्डर्स हैं मेंबर्स हैं वो मुंबई के हैं। अब अगर मेरी कंपनी ये चूज करती है कि मैं अपने इन रजिस्टर्स को बेंगलोर रखना चाहता हूँ और कंपनी कह रही है कि मैं स्पेशल रिजोल्यूशन भी पास करवा दूंगी, पर वो ऐसा नहीं कर सकती है क्योंकि बेंगलोर में उसके मेंबर्स नहीं रहते हैं। अगर बेंगलोर में वो रखना चाहती है तो मिनिमम 10% से ज्यादा मेंबर्स उसके बेंगलोर में होने चाहिए, जो कि नहीं है, तो उसे मुंबई में ही रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। ये 2 पॉइंट्स हमने यहाँ पर देख लिए हैं, टाइम मतलब 7 डेज में रखना होगा, और अगर प्लेस की बात करेंगे तो RO जहां पर सिटी का RO है या फिर दूसरी सिटी अगर वो सिटी में 10% से ज्यादा मेंबर्स रहते हो। तो अब रजिस्टर्स में जब भी एंट्रीज होगी तो जरूरी तो नहीं कि एक बार में सब कुछ सही हो जाएगा, कुछ ना कुछ चेंजेस हो सकते हैं। अब वो एंट्रीज में चेंजेस कब कब होंगे, कुछ भी हो सकता है, कुछ ऑर्डर आया हो किसी ऑथोरिटी का,
ट्रिब्यूनल का, आरओसी का, तो वो चेंजेस आपको वहां पर करने पड़ेंगे और रजिस्टर में एंट्री करनी होगी। हो सकता है किसी की डेथ हो या फिर कोई इनसॉल्वेंट हो जाए मेंबर, तो ऑर्डर पास हुआ हो तो आपको रजिस्टर में वो भी एंट्री करवानी पड़ेगी। इसी के साथ में अगर कुछ ना कुछ ट्रांसफर हुआ है, ज्वाइंट वेंचर हुआ है, उनसे रिलेटेड सभी चीजों का इफेक्ट आपको रजिस्टर में देना होगा। तो इस तरीके से एंट्रीज में चेंजेस का रिकॉर्ड भी आपको रजिस्टर में मेंटेन करना होगा। अब इसी के बाद में जो लास्ट पॉइंट है, जो रूल नंबर 5 बोल रहा है, वो ये है कि अगर कोई भी मेंबर है और वो मेंबर के बीच में कुछ भी ट्रांजैक्शन हुआ है, स्टेटस में चेंज हुआ है, तो वो एंट्री आपको वहां पर करवानी पड़ेगी। अब आखिरी पॉइंट ये है कि इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज, मींस अगर लिस्टेड कंपनी हो आप, तो आपको स्पेशली एक चीज का ध्यान रखना होगा कि कोई भी प्रमोटर ने अगर कोई किसी चीज के ऊपर, यानी कि शेयर्स के ऊपर कुछ लीन क्रिएट किया है या फिर हाइपोथिकेशन किया है या फिर प्लेज किया है, तो उन वाली सिचुएशंस में प्रमोटर का जो भी प्लेज, लीन और हाइपोथिकेशन है, उससे रिलेटेड 15 डेज में एंट्रीज हो जाना चाहिए, क्योंकि वो प्रमोटर शेयर होल्डर है, उसके पास शेयर्स है और उसने अपने शेयर्स के ऊपर कुछ ना कुछ लोन लिया है, यानी शेयर्स पे कुछ ना कुछ चार्ज क्रिएट हो चुका है, तो उन शेयर्स के वहां पर रजिस्टर्स में ये एंट्री भी आपको करनी होगी। सो रूल नंबर 3 हमने डिस्कस किया, रूल नंबर 5 हमने डिस्कस किया, अब रूल नंबर 6 की अगर हम बात करेंगे, तो रूल नंबर 6 ये बोल रहा है कि जैसा कि आपको बोल रखा है कि इंडेक्स ऑफ मेंबर्स आपको बनाना पड़ेगा, हर रजिस्टर में आपको एक इंडेक्स मेंटेन करना पड़ेगा, बट वो इंडेक्स जो आप मेंटेन कर रहे हैं वो कंपलसरी नहीं है। अगर आपके जो नंबर ऑफ मेंबर्स है वो 50 से कम है, अगर 50 से कम मेंबर्स है तो आपको इंडेक्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं होगी, मोर देन 50 है तो आपको इंडेक्स बनाना ही पड़ेगा। अब ये जो अभी तक हमने डिस्कस किया है उसमें रूल नंबर 3, 5 और 6 हमने कर लिया है। जो सेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो सेक्शन 88 के अंदर ही है हम, जिसमें हमने क्लॉजेस 1, 2 और 3 डिस्कस कर लिए हैं और वो सभी पॉइंट्स यहाँ पर आ गए हैं। अब मैं आपको फॉरेन से रिलेटेड जो रजिस्टर्स हैं, जिसे हम क्लॉज नंबर 4 में पढ़ने वाले हैं, 88 क्लॉज नंबर 4 और उससे रिलेटेड है रूल नंबर 7, वो डिस्कस करना चाहूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि फॉरेन रजिस्टर होता क्या है, मतलब कि क्या फॉरेनर्स के जिसमें नाम लिखे गए हों वो रजिस्टर होता है क्या? नहीं, वो रजिस्टर है जिसमें आपका जो मेंबर्स के नाम लिखे गए हैं, बट वो जो आपका रजिस्टर है वो फॉरेन में, यानी कि आउटसाइड इंडिया रखा गया है। तो पहला क्वेश्चन, क्या सभी कंपनीज ऐसा कर सकती है? दूसरा क्वेश्चन, आउटसाइड इंडिया अगर आप रख रहे हो तो क्या एक्स्ट्रा प्रोविजंस है जो आपको ख्याल में रखने पड़ेंगे? तो पहले क्वेश्चन का जवाब तो ये है कि यस, कंपनी कैन डू सो, कंपनी कैन चूज टू कीप इट्स रजिस्टर्स आउटसाइड इंडिया इन एनी अदर कंट्री, बट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का परमिशन चाहिए रहेगा। अगर आर्टिकल्स ये परमिट नहीं करते हैं तो आप आउटसाइड इंडिया फॉरेन रजिस्टर्स नहीं रख सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन जो उठता है वो ये है कि फॉरेन रजिस्टर्स, यानी कि उसको बाहर रखने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि एक जो कंपनी है वो इंडिया की कंपनी है, उसमें जो शेयर होल्डर्स है वो सभी इंडियंस हो, ये जरूरी नहीं है। तो अगर कुछ ऐसे मेंबर्स है हु आर रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, तो उनके लिए एक रजिस्टर रखा जाता है आउटसाइड इंडिया, यानी कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनका मेंटेन करने के लिए एक फॉरेन रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। इट्स वेरी लॉजिकल। तो ये चीज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर आपके पास में पावर है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, वी आर गुड टू गो। अब जो फॉर्मेट है वो क्या होगा? तो एमजीटी 102 तो हमने देख लिया है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड फॉर अदर सिक्योरिटी होल्डर्स, जनरली हमने वो देख लिया है। बट एमजीटी नंबर 3, यानी कि ये जो फॉर्म है वो ये बताता है कि अगर आपने फॉरेन रजिस्टर मेंटेन किया है तो आपको इंटीमेट करना पड़ेगा 30 डेज के अंदर अंदर आरओसी को, उसमें कुछ भी एंट्री होती है तो 30 दिन के अंदर अंदर आप आरओसी को बताइए कि आपने ये एंट्री करी है। और इतना ही नहीं, अगर वो फॉरेन रजिस्टर डिसकंटिन्यू होता है, मतलब कि आपने उसकी सिचुएशन चेंज करने का सोचा, प्लेस चेंज करने की सोची, और कोई कंट्री में रखने के लिए सोचा, या फिर उस रजिस्टर को वहां से क्लोज कर दिया, तो इन दोनों ही सिचुएशंस में आपको 30 डेज के अंदर अंदर एमजीटी फॉर्म नंबर 3 के साथ में आपको आरओसी को इंटीमेट करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन ये है कि फॉरेन रजिस्टर्स को हम कैसे ट्रीट करते हैं, मींस फॉरेन रजिस्टर्स
एक ऐसी चीज होती है जो बाहर रखी गई है। तो जो इंडियन रजिस्टर्स है, मतलब कि जो नॉर्मल रजिस्टर्स है MGT 102 वाले, उनके जैसे ही MGT 3 को भी ट्रीट किया जाएगा। हम यहाँ पर नॉर्मल रजिस्टर्स को बोलते हैं प्रिंसिपल रजिस्टर्स। तो जो एक डुप्लीकेट कॉपी होती है फॉरेन रजिस्टर्स की, वो हर कंपनी को अपने इंडिया के ऑफिस में मेंटेन करना जरूरी है। जो रजिस्टर आपका बाहर रखा हुआ है उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी आपको इंडिया में भी रखनी पड़ेगी और उसे हम प्रिंसिपल रजिस्टर मानेंगे। अब जो एंट्रीज इस फॉरेन रजिस्टर में हो रही है वो कैसे होगी? मींस हमने नॉर्मली देखा था कि जैसे ही एंट्री होती है 7 दिन के अंदर अंदर आपको एंट्रीज करनी होगी, ये रूल नंबर 5 में हम देख के आए हैं। पर अब यहाँ पर जो फॉरेन रजिस्टर है इसमें एंट्रीज तभी होगी जब बोर्ड का अप्रूवल हो जाएगा, और बोर्ड का अप्रूवल होते ही 15 डेज के अंदर अंदर आपको वो एंट्री करनी होगी। ये सभी चीजें जो मैंने आपको बताई फॉरेन रजिस्टर की, अगर आप वो फॉलो नहीं करते हैं तो कंपनी को और हर ऑफिसर के ऊपर जो डिफॉल्ट में है उसके ऊपर 50,000 से लेकर 3,00,000 रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है। और इसी के साथ में अगर ये जो डिफॉल्ट है वो कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट है तो हर दिन 1,000 रुपए का फाइन भी लग सकता है। इसी के साथ में जितने भी रजिस्टर्स होते हैं उन सभी के साथ में आपको उन रजिस्टर्स में एक नॉमिनेशन वाला कॉलम भी ऐड करना पड़ता है। मीन्स जितने भी मेंबर्स हैं उनको एक नॉमिनी भी अपॉइंट करना होता है, कंपलसरी नहीं है बट रजिस्टर में वो कॉलम होना चाहिए, नॉमिनेशन का भी एक सेपरेट एरिया होना चाहिए। सो अभी तक मैंने ये रूल नंबर 3, रूल नंबर 5, 6 और 7 आपको बता दिया है। अब कुछ 2 से 3 एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं जो सेक्शन 88 से रिलेटेड है, जिससे आपको समझ में आएगा और क्लैरिटी होगी कि 88 क्या बोलना चाहता है। बट अगर मैं आपको 88 का एक इम्पॉर्टेंट हाईलाइट बताना चाहूं तो यहाँ पर रजिस्टर्स की हम बात कर रहे हैं। रजिस्टर्स में फॉरेन रजिस्टर एक इम्पॉर्टेंट चीज थी, इनका टाइम, इनका प्लेस और इनका पीरियड ये इम्पॉर्टेंट है। सो यहाँ पर जो फॉर्म्स है यानी कि MGT 1, MGT 2 और MGT 3, ये सभी चीजें यहाँ पर हमें ख्याल में रखनी है क्योंकि फॉर्म, प्लेस और टाइम ही यहाँ पर क्वेश्चन बेस्ड आता है। अब सेक्शन नंबर 88 में हमने ये सब चीजें देख ली है, 88 हमारा कवर हो चुका है। अगर आप ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर वाला शीट याद रखेंगे तो 88, 89, 90 और 91 ये 4 सेक्शंस हम साथ में पढ़ने वाले थे। तो 88 हमने पार्ट 1 में पूरा देख लिया है। अब 2 केस स्टडीज कहें या फिर क्वेश्चंस कहें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, पास्ट एग्जामिनेशन में भी वो आ चुका है, उसको ध्यान से सुनिएगा। अब एक बाप है यानी कि एक फादर है जिन्होंने कुछ शेयर्स खरीदे हैं और वो शेयर्स उसने खरीदे हैं अपनी डॉटर के नाम पर। अब डॉटर जो है वो तो छोटी है यानी कि वो 18 साल से भी छोटी है और वो माइनर है। अब यह क्या सीन हो रहा है यहाँ पर कि जो मेंबर है वो तो डॉटर है क्योंकि डॉटर के नाम पर उन्होंने खरीदे हैं, बट MGT 1 और MGT 2 का ये रूल है कि माइनर का नाम कभी भी अकेले तरीके से नहीं आ सकता है। तो क्वेश्चन में आपको ऐसा दिया होगा कि एक पर्सन है जिन्होंने अपनी माइनर डॉटर के नाम पर शेयर्स खरीदे हैं और वो अपडेट करवाना चाहते हैं इंफॉर्मेशन इन MGT 1 एंड 2, How is it possible and which provision should we relate? तो यहाँ पर आपको आंसर में लिखना पड़ेगा, as per section 88, rule number 3, ये है कि कोई भी माइनर अगर शेयर्स परचेस कर रहा है तो उसका अकेले का नाम कभी भी रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नहीं आएगा, उसमें कंपल्सरीली आपको उसके गार्जियन का नाम ऐड करना होगा। मीन्स जब भी रजिस्टर ऑफ मेंबर में नाम आएगा डॉक्टर का, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर का नाम अनु है तो वहां पर आपको फादर का नाम भी ऐड करना पड़ेगा, एग्जाम्पल मोहन, तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा अनु बीइंग अ माइनर होल्ड्स सो एंड सो शेयर्स ऑफ द कंपनी एंड गार्जियन जो है वो है फादर मोहन कुमार। ऐसे एक क्वेश्चन आया था केस स्टडी में, आपको सेक्शन नंबर और रूल नंबर साथ में कोट करना पड़ेगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन इसमें दूसरा ये है जॉइंट होल्डर्स का। हो सकता है कि कंपनी में कुछ शेयर्स जॉइंटली होल्ड किए जाते हैं, मींस मैं हूं, मेरा एक दोस्त है विशाल, हम दोनों अगर कुछ शेयर्स को होल्ड करते हैं तो वहां पर दोनों ही पर्संस के नाम आते हैं रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के अंदर। पर यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है कि जो जॉइंट होल्डर्स होते हैं वो कुछ सेपरेट कंडीशंस कंपनी को दे सकते हैं, बता सकते हैं, जैसे कि पेमेंट की, पेमेंट रिसीव करने की, डिविडेंड रिसीव करने की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर यहाँ पर कुछ
स्पेसिफिक कंडीशंस ही बोल सकते हैं, सारी कंडीशंस नहीं बोल सकते हैं। सो जॉइंट होल्डर से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया था, वो ऐसा था। सो क्वेश्चन ऐसा आया था कि एक पर्सन है जिसने कुछ शेयर्स परचेस करे हैं कंपनी के, पर उसने अपने वाइफ के साथ में वो शेयर्स को परचेस किया है। अब यहां पर दोनों ने मिलकर कुछ शेयर्स को परचेस किया है, पर हस्बैंड का ये कहना है कि रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के जो लिस्ट है उसमें सिर्फ मेरी वाइफ का नाम ही आना चाहिए, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। अब कंपनी सेक्रेटरी जो है कंपनी का CS, वो कंफ्यूज्ड है कि क्या ऐसा प्रोविजन अलाउ करता है, क्या मैं जॉइंट होल्डर के जो दो पर्सन है उनमें से किसी एक का ही नाम रजिस्टर में लिख सकता हूँ क्या, ऐसा क्वेश्चन आया था। अब आप बिलीव नहीं करेंगे, इसमें आप कौन सा सेक्शन कोट करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, तो उसका आंसर आपकी मॉड्यूल में भी है, आप देख सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पर आपको बता भी रहा हूँ, सेक्शन 88 तो आपको कोट करना ही होगा क्योंकि वो रजिस्टर ऑफ मेंबर के बारे में बात करता है। साथ ही में आपको रूल्स कोट करने पड़ेंगे, यानी कि कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2014, जिसके साथ में आपको वहां पर मेंशन करना पड़ेगा रूल नंबर 3, रूल नंबर 5, क्योंकि ये बताते हैं मैनर एंड मेंटेनेंस का पार्ट, और सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज कि MGT 1 और 2 के रूल्स क्या क्या है। अब इसका आंसर ये होगा कि हाँ, जॉइंट होल्डर्स कुछ ना कुछ कंडीशंस जरूर कंपनी को बता सकते हैं, जैसे कि कितने शेयर्स में स्प्लिट होना चाहिए, कितना अमाउंट होना चाहिए, और उनको डिविडेंड कैसे रिसीव होगा। बट यहाँ पर जो मिस्टर हस्बैंड का कहना है कि वो सिर्फ वाइफ का नाम ही यहाँ पर रजिस्टर में दिखाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो जो जॉइंट होल्डर्स है उन दोनों में जब भी रजिस्टर ऑफ मेंबर्स को रखा जाएगा तो सबसे ऊपर नाम जिसका आ रहा है उसको प्रायोरिटी मिलती है, और जिसका नाम नीचे आ रहा है उसको प्रायोरिटी नहीं मिलती है। मींस ऊपर जो फोकस्ड में उसका वाइफ का नाम आ सकता है और हस्बैंड का नाम नीचे आ सकता है, बट ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ वाइफ का ही नाम आए। तो ऐसा आंसर आपको पूरा फॉर्म करना पड़ेगा सेक्शन 88 के साथ में रूल नंबर 4, रूल नंबर 5, रूल नंबर 3, और आपको बताना पड़ेगा जॉइंट होल्डर्स कंडीशन लगा सकते हैं यस, बट सिर्फ एक का नाम लिखने का नो। प्रायोरिटी सेट की जा सकती है रजिस्टर में यस, बट नाम हटाया जा सकता है नो। ऐसा आपको पूरा आंसर फॉर्म करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हमने पूरे देखा है कि सबसे पहले सेक्शन 88 का जो पार्ट्स है 1, 2, 3, 4 क्लॉजेस जो है उसको हमने समझा। बेसिकली हमें इसमें क्या क्या देखना है, तीन टाइप ऑफ रजिस्टर्स हमको मेंटेन करना है, जो फॉर्म वो है MGT 1 और 2। MGT 3 जो है वो फॉरेन रजिस्टर्स का है क्लॉज नंबर 4 के अंदर। इसी के साथ में हमने देखा है कि क्या नॉमिनेशन के लिए आपको रखना पड़ेगा एक अलग से कॉलम, यस आपको रखना पड़ेगा। और बेसिक्स में इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आप प्लेस की बात करेंगे तो आपको रजिस्टर्ड ऑफिस में ही रखना है, बट अगर आप और किसी सिटी में रखना चाहते हैं तो आपको ये श्योर करना पड़ेगा कि 10% से ज्यादा मेंबर्स उस सिटी में रिसाइड करते हों। 7 दिन के अंदर अंदर जैसी ट्रांजेक्शन अप्रूव हुआ है बोर्ड के थ्रू आपको एंट्री करनी होगी। और यही चीज अगर फॉरेन रजिस्टर की हम बात कर रहे हैं तो 7 डेज से उठकर वो चीज 15 डेज में आ जाती है। फॉरेन रजिस्टर के केस में आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का परमिशन चाहिए रहेगा और उसकी डुप्लीकेट कॉपी आपको इंडिया में भी रखनी पड़ेगी। सो सेक्शन 88 कम्स टू एन एंड, यहां पर हमने बेसिक समझ लिया है, 88 और उसके क्लॉजेस समझ लिए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 89, 90 और 91 ऐसे तीन सेक्शन देखेंगे जिससे हमारा रजिस्टर का ब्लॉक पूरा खत्म हो जाएगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें हमने सेक्शन 88 पूरा कवर कर लिया है। अगले वीडियो में बचा हुआ हम ये ब्लॉक भी खत्म कर देंगे। आप ये वीडियोस अगर देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहे हैं, तो ईकीड़ा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए। धन्यवाद।